जी, आदरणीय पंच कमेटी और सिकड़ी के प्रांगण में बैठे हुए सभी श्रोता बंधुओं के चरणों में सतवीर सिंह अतैनी की तरफ से हाथ जोड़ करके नमामि नमस्कार। राम राम साहब। बंधुओं, आपके सामने सभी गाने वाले बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। एक भैया जी कह रहे थे कि भैया कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप जैसे विद्वानों ने दो लाइनों में विचार करने वाली बात सुझाव दिया है, लेकिन मास्टर जी कैसे के एक बार गलती करे, ये एक बार गलती करे उसे नादान कहते हैं, दूसरी बार गलती करे उसे शैतान कहते हैं, और बार बार गलती करे उसे पाकिस्तान कहते हैं, हर गलती को माफ करे उसे हिंदुस्तान कहते हैं। लेकिन सज्जनों, एक कवि बहुत ही सुंदर बात लिख रहा है कि सपूत बेटी बेटा में सभी का सिर होता है, सभी का साझा होता है, लेकिन भैया जी कैसे ये सायर सपूत में साझा है मनुष्य के लिए एक चेतावनी दे रहा है, बंदे तेरे पास में वक्त बहुत कम है, लेकिन तुझको करना क्या है। मास्टर जी, दो लाइन की एक चेतावनी, क्या सुझाव दिया, क्या कहा। हमारा दे है जांगे,
हमारे छोटे से लाला ने दिए हैं, इनके लिए बार बार धन्यवाद। लेकिन भैया बहेला जी क्या हुआ, सज्जनों उस परमपिता परमेश्वर का नाम लेने के लिए चाचा जी आपका कोई पैसा खर्च होने वाला नहीं है, लेकिन आपको करना क्या है मास्टर जी? कैसे? जब बाबा रे ने कच्ची बहला ले, जब भैया रे ने कच्ची बहला ले, कहा जीवन को घट जाएगा, कहा जीवन को घट जाएगा, तेरो सहज बुढ़ापा घट जाएगा, तेरो सहज बुढ़ापा सामने चाचा जी सुनिए। एक समय पर कौन तब गांडीवधारी अर्जुन और अर्जुन का पुत्र जिसका नाम है बब्रवाहा, आहा सरदारों युद्ध के मैदान के अंदर दोनों के बीच में बहुत ही घमासान युद्ध चल रहा है। लेकिन चाचा जी आज वो छोटा सा बच्चा बब्रवाहन अपने पिता गांडीवधारी अर्जुन के ऊपर अपनी शक्ति का प्रहार करता है। मास्टर जी जिकड़ी वाली बात चल रही है, आज वो सुनने से बच्चे बब्रवाहन ने मराठी के माध्यम से भैया क्या काम किया, छोटा सा बच्चा बब्रवाहन
अपने पिता गांडीवधारी अर्जुन को मार करके धरनी पर सुला देता है। लेकिन सज्जनों इधर में रानी चित्रांगदा को महलों के अंदर अशगुन होते हैं। रानी चित्रांगदा कौन थी? अर्जुन की पत्नी, बब्रवाहन की माँ। आज रानी चित्रांगदा को महलों के अंदर अशगुन हो रहे हैं। लेकिन भैया भैयालाल जी अशगुन होते कैसे हैं? एक एक शब्द में सुनेंगे बाबा साहब। ये पीसीआर पड़ेगा नजर, ये पीसीआर पड़ेगा नजर, भुजाबल ताई फड़के और महल न बोले काग नैन ते आंसू। ये नाग सुता कियो सोच, अरे पुत्र नहीं के पत नहीं जाके तन के बिगड़े। सो पेंदी सरक गिरी रानी की, ये अशगुन हो रहे रानी चित्रांगदा को। सो पेंदी सरक गिरी रानी की, जो नीर है नैनन में अशगुन भय कांच भवन। इस तरीके से रानी चित्रांगदा को महलों के अंदर अशगुन हो जाते हैं। लेकिन मेरे विद्वान श्रोताओं, आज वो छोटा सा बच्चा बब्रवाहन अपनी माँ चित्रांगदा के पास में पहुंच रहा है। चाचा जी कैसे पहुंचा और क्या हुआ मास्टर? अर्जुन पीर सो हन्यो ही पाले था, से कह रहा है कि माँ एक बात मेरी ध्यान से सुनिए। लेकिन बाबरा बहन ने अपनी माँ से क्या जवाब दिया और क्या कहा भैया? मास्टर जी आज बच्चे ने अपनी माँ से क्या कहा? जो खुजा पूछता माँ तो हरस रहो का तो पार भई नैया, जो खुजा पूछता माँ तो हरस रहो का तो पार भई नैया, तू कैसे भई उदासरी बता दे मेरी। सामने उपदेश सुना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दो लाइन अभी आपके सामने पेश करेंगे बाबा साहब,
सुनने वाली बात होगी। हमारा भारत देश वीरों का देश है, वीरांगनाओं का देश है। हमारे देश के लिए हमारी माता बहनों ने क्या नहीं किया, भैया दो लाइनों में कभी ने क्या लिखा। और यमदूतों से पति छुड़ाया पातन उनकी, यह संग पति के सती हो गई। ये हमारा भारत देश वो देश है, देखो इंग्लैंड लियो, अमेरिका लियो, जापान लियो, काउ देश में तुमने ये नहीं सुनी होगी कि माठे फलानी नारी सती है गई। केवल पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर हमारा भारत देश है कि इसमें 500-700 किलोमीटर के अंदर एक सती का मंदिर आपको मिल जाएगा। चाचा जी ये सुनने वाली बात है, लेकिन भजनलाल भैया कैसे संगपति के सती हो गई, महिमा वेद बखानी है। जो संगपति के सती हो गई, महिमा वेद बखानी है। और अंग्रेजों से लोहा ले गई झांसी वाली, से क्या कहा। भुजा पूज दे मात, हरस रो गात पार भई नैया, और तू कैसे भई उदास बता दे मेरी भैया। मां आज मैं जंग जीत करके आया हूं, तू मेरे माथे पर जीत का टीका लगा दे, अरे जीत का सहरा बांध। जब रानी चित्रांगदा ने ये शब्द सुने तो कहा कि बेटा तू मुझे बता तो दे कि आज के युद्ध के मैदान के अंदर तूने क्या किया है। आहा सजनों, जब ये शब्द सुने तो वो छोटा सा बच्चा बबरा बहन जवाब दे रहा है, मां सुनिए मैं बताता हूं कि आज के युद्ध के मैदान के अंदर मैंने क्या किया है। अर्थ के माध्यम से जवाब दे रहा है वो छोटा सा बच्चा बबरा बहन, मैंने भैया भजनलाल जी शब्दों की मार हुआ करती है, मैंने ये काटा शीश धनंजय को और बड़े बड़े पीरहने धुरमादिक अब कछु दान करो जाए। सो गज गैया विप्रन को बांटा और मात विजय भैरन में अस गुण भय काज भवन। मां आज के युद्ध के मैदान के अंदर मैंने गांडीवधारी अर्जुन को मार करके धरनी पर सुला दिया है। सजनों जब इतने शब्द सुने तो रानी चित्रांगदा धार मार मार करके रोने लगी। बबरा बहन ने कहा कि मां तेरे रोने का कारण, तेरे रोने का मतलब, तेरे रोने का उद्देश्य, तेरे रोने का सबब क्या है। अरे मैया तू ऐसे क्यों रो रही है। बंधु आज रानी चित्रांगदा बता रही है, बेटा सुन मैं बताती हूं कि तूने मेरे साथ में क्या किया है। भैया चौक के माध्यम से रानी चित्रांगदा
अपने बेटे को बता क्या रही हैं। कैसे भैया? चित्रांगा ढोलक के माध्यम से बता रही हैं, लेकिन भैया भजनलाल जी क्या बता रही हैं?